Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is shaded pole motors. ये जो topic है ये आपके I-208 में आता है. It is comes in I-208 में एक special type of motors हैं जो कि अपना purpose in control जो components हैं उसमें एक important role play करती हैं. इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको इसमें दिखाया हुआ है इस फिगर में. शेडेड पोल बेसिकली ये एक डीसी मोटर की तरह होती है जिसके अंदर एक रोटर रहता है और जो पोल होता है उसमें कुछ पार्ट काट के एक शेडिंग बैंड लगा दिया जाता है. ये शेडिंग बैंड बेसिकली फ्लक्स को जो है वो कट करता है और फ्लक्स को बाइफरकेट कर देता है, रोटेटिंग फ्लक्स में कन्वर्ट करता है. जैसे ये शेडिंग बैंड जो है वो कॉपर की वाइंडिंग है जो कि शॉर्ट सर्किटेड होती है, उसको 1/3 ऑफ द पोल जो आपका ये जो फील्ड पोल है उसको 1/3 ऑफ द पोल में एक शेडिंग बैंड लगा दिया जाता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वाइंडिंग है. तो अब इसके कारण से जो है ये शेडेड बैंड लगाने के कारण जो फ्लक्स का मूवमेंट है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह से वर्क करता है और ये जो शॉर्ट सर्किटेड रोटर है ये शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग्स हैं इसके अंदर. तो ये जो ये कंडक्टर्स को शो कर रहे हैं जो कि शॉर्ट सर्किटेड हैं बोथ साइड से, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है और एक ये ईएमएफ शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक करंट डेवलप करता है. वो करंट अपना एक फ्लक्स डेवलप करता है, वो फ्लक्स इस पोल के फ्लक्स से इंट्रैक्ट करके एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि इस मोटर को घुमाने में मदद करता है. इस तरीके से शेडेड पोल मोटर वर्क करती है. अब ये फ्लक्स जो है वो किस तरीके से रोटेट होता है, जैसे कि सिंगल फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर लगा के फेज स्प्लिटिंग की जाती है, उसी तरीके से शेडेड पोल मोटर में ये शेडेड बैंड्स लगा के रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप किया जाता है जिससे कि एक रोटर के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो इसको समझने के लिए एक ये तीन डायग्राम है जिसके अंदर अपन जो एसी सप्लाई है फ्लक्स की अपन देते हैं. ये देखिए आप, जैसे फ्लक्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में जब इंक्रीज होता है, ये इनिशियल ट्रेंड है, तो जब फ्लक्स इस पोजीशन में होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स इस डायरेक्शन में कंसंट्रेट होगा जो ब्रॉड लाइन से शो एरो से शो किया गया है. इधर ये जो बैंड्स हैं ये फ्लक्स को आने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ लेंज लॉ. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो जब इसमें से पास होगा तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा और फ्लक्स को इधर शिफ्ट कर देगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स जब इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जब इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स अनशेडेड पोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है. थोड़ी देर बाद जब फ्लक्स आपका मूवमेंट करने शुरू कर देता है और ये शेडेड बैंड थोड़े से फ्लक्स को अलाउ कर देता है और तब ये फ्लक्स जो है वो शिफ्ट होके, जब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ ज़्यादा नहीं होता तो ये इसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, तो उस वजह से ये फ्लक्स यहाँ पर कंसंट्रेट करता है और सेंटर ऑफ द पोल में मेन कंसंट्रेट करता है. थर्ड व्यू जो है, जब आपका फ्लक्स रिड्यूसिंग ट्रेंड में होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव हो जाता है, तो ये जो शेडेड बैंड है सारा का सारा फ्लक्स अपने में से पास होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स इस डायरेक्शन से पास होता है और अनशेडेड पार्ट में फ्लक्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है. इस वजह से अपन ये देखते हैं कि ये जो फ्लक्स का मूवमेंट है अनशेडेड पोल से पहले सेंटर में आया और सेंटर से शेडेड पोल की तरफ शिफ्ट हो गया, उससे ये फ्लक्स का मूवमेंट ये शो कर रहा है कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसी भी रोटर के अंदर तो रोटर के अंदर मूवमेंट आ जाएगा और रोटर घूमने लग जाएगा. इसको अपन बहुत आसानी से इससे समझ सकते हैं कि ये जो रोटर है ये घूमने लग जाएगा बिकॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस जो ये एयर गैप है इसमें इंड्यूस हो जाएगा और वो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा और इसका ईएमएफ इंट्रैक्ट करेगा पोल के जो फ्लक्स से और ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो हमेशा मोटर जो है रोटेटिंग द रोटर फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट, इस तरीके से रोटर में घूमने लग जाएगी. तो अब इस तरीके की मोटर में एक प्रॉब्लम है कि इसको आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अगर इसको आप दो डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं मोटर को तो दोनों तरफ शेडेड बैंड्स लगाने पड़ेंगे. दिस इज द मेन
कंस्ट्रक्शनल चेंज, अगर इसमें मोटर को आप बोथ साइड घुमाना चाहते हैं तो इसको दोनों तरफ घुमाना पड़ेगा, दोनों तरफ शेडेड बैंड्स लगाने पड़ेंगे और फिर वही सेम प्रिंसिपल पे ये मोटर वर्क करेगी। ये मोटर्स बेसिकली जो हैं वो बहुत छोटी मोटर्स होती हैं, इसका पावर फैक्टर बहुत लो होता है, ये 1/300 to 1/20 किलोवाट की रेंज की होती हैं, स्मॉल कैपेसिटी मोटर्स हैं। इसमें क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, टॉर्क बहुत कम होता है स्टार्टिंग में, और इसकी कॉस्ट जो है वो रीजनेबल है। और इसके साथ ये जो मोटर का एप्लीकेशन है वो हेयर ड्रायर्स में, स्मॉल टॉयज में, रिकॉर्ड प्लेयर में, इलेक्ट्रिक स्मॉल फैंस में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में यूज़ किया जाता है। इसकी जो रेंज अवेलेबल 1/300 to 1/20 किलोवाट्स है। इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो और एक बार मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एडवांटेज, मेजर एडवांटेज है वो है कि इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड रिलायबल, मीन्स बहुत ज़्यादा सस्ती लो कॉस्ट की मोटर्स हैं और काफ़ी अच्छा रिलायबिलिटी है, मीन्स लॉन्ग लाइफ है। कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल है, कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड रिबस्ट बिकॉज देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कोई स्विच वगैरह इसमें नहीं होता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो नंबर वन, दैट इज इट्स पावर फैक्टर इज लो, लो पावर फैक्टर है, तो ये लो पावर फैक्टर के कारण इसमें करंट ज़्यादा ड्रॉ करती है स्टार्टिंग में। द स्टार्टिंग टॉर्क इज पुअर, स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका पुअर रहता है, कम रहता है। एफिशिएंसी इज वेरी लो एंड कॉपर लॉसेज आर हाई, एफिशिएंसी भी कम होती है और कॉपर लॉसेज ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली एफिशिएंसी इसकी पुअर हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर बैंड, कॉपर बैंड्स के अंदर कॉपर लॉसेज डेवलप हो जाते हैं। द स्पीड रिवर्सेबल इज ऑल्सो डिफिकल्ट, इसको स्पीड रिवर्स करना भी मुश्किल है और एक्सपेंसिव है। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं तो फिर ये अलग से एक सेट ऑफ कॉपर रिंग्स वापस और लगानी पड़ेगी, तो कॉपर के अंदर और ज़्यादा इसके कॉपर लॉसेज बढ़ जाएंगे और एफिशिएंसी और लो हो जाएगी। इसलिए ये इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए, डिसएडवांटेजेस हो गए एंड एप्लीकेशन, इसका हेयर ड्रायर, टॉयज, रिकॉर्ड प्लेयर्स, स्मॉल फैंस, इलेक्ट्रिक क्लॉक वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मेन कंस्ट्रक्शन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ शेडेड पोल मोटर। इट इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ शेडेड पोल मोटर। ये डायग्राम जरूर आप इसको शेडेड बैंड का बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।